हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा है कि जो बंदों ने पॉलिटेक्निक कर लिया है या बीटेक कर लिया है, तो वो लोग आगे चल कर के क्या करें, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बन रहे साथ में। और हाँ, एक बात और, आज दोस्तों होली है, तो होली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने सिर्फ पॉलिटेक्निक किया है उनके लिए बात करते हैं, और सिविल ब्रांच से किया है तो पहली बात तो आप पे को पता है कि आप कैसे हैं पढ़ाई में। अगर आपको लगता है कि मैं मतलब जेई का टेस्ट निकाल लूँगा, तो आप एक दो साल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक साल ही ट्राई करें। अगर आपको नहीं लगता है कि भाई इससे मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी पकड़ लें। और हाँ, स्टार्टिंग में सैलरी का बिल्कुल भी सिस्टम ये ना रखें कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए। आप सीखने पर फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप सीख जाएंगे, सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और फ्रेशर में अगर आपको जाना है, तो आप पहले नंबर पर ऑटोकैड कर लें। 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें ऑटोकैड में क्या है कि कमांड्स वगैरह अच्छी तरीके से आपको आने लगेंगी, तो 2D एलिवेशन वगैरह बना लोगे, लेआउट वगैरह कर लोगे, तो उसमें से कंपनी आराम से आपको हायर कर लेगी कोई। अगर ये ऑटोकैड भी नहीं किया है, फिर भी कंपनी हायर कर लेगी। अगर जिसको नीड है कि मुझे जॉब ही करनी है, तो वो भाई कमेंट्स कर सकता है इसमें, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और जहाँ जहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी यहाँ दी जाती हैं, ठीक है ना, तो उनको डिटेल्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो उनको जॉब आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। और बीटेक वाले जो बंदे हैं भाई, तो बीटेक वाले भी अगर उनका सीवी सेम यही है कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है, गेट की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि गेट में नहीं होगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, प्राइवेट से जिन्होंने बीटेक किया है तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता भाई, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर जॉब तो कहीं पर भी जा कर के आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको काम आने लगेगा, ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ेगी, है ना। पॉलिटेक्निक वाले बंदे बीटेक जरूर करें, लेटर एंट्री से करेंगे, 3 साल का होगा आराम से। जॉब के साथ साथ में बीटेक कर लें अगर आपको ग्रो करना है तो। ओनली डिप्लोमा से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिप्लोमा से करोगे कहीं पे भी, प्रेशर में करोगे, सब मुश्किल में 18,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, और 1-2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 30,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर आप बीटेक कर लोगे, तो आपको 40+50 ऐसे ऐसे करके इंक्रीजमेंट होती जाएगी, वो आपके ऑन काम के ऊपर रहेगा कि आप कैसे काम कर पा रहे हो। और स्टार्टिंग में 2-3 स्किल ज़रूर सीख लें। सबसे पहले तो आप ऑटोकैड सीख लें, नक्शा वगैरह बना लें, 2D में लेआउट वगैरह कर लें। और इसके बाद में जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर में जा रहे हो, तो स्ट्रक्चर के बारे में फुल नॉलेज रखें, ठीक है। जितना हो सके साइड पर सीखें, मतलब सिर्फ आपको कंपनी रहने को खाने को दे रही है ना, तो उससे पैसे पे ज़्यादा फोकस ना करें कि नहीं मुझे पैसे पैसे पैसे, अरे पैसे तो ऑटोमेटिक मिलेगा भाई, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, मतलब काम से रिलेटेड पूछना, अभी तो मैंने बता दिया आपको कि क्या आप कर रहे हैं, जो भाई अभी जो जॉब कर रहे हैं उनको तो जो दिक्कत है नहीं ज़्यादा, भाई जो मेरे जो भाई बंदे घर पे बैठे हुए हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रही है, उनको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा, वो मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कमेंट्स करें। और जिसको सच में नीड है, वो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, और जल्दी से जल्दी जहाँ भी होगा उसको इन्फॉर्मेशन करके जॉब दिलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।